सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो अपन टाइम एंड वर्क की सीरीज कर रहे हैं, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। कौन सा लेक्चर है? हम आज लेक्चर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 4 लेक्चर करवा दिए हैं, ठीक है। 4 लेक्चर में से शुरू के 2 लेक्चर में, पहले और दूसरे लेक्चर में थोड़ा बहुत विजिबल का इशू किया था कि विजिबल नहीं थे क्वेश्चन आपके, तो उसके पीडीएफ का हमने एक सॉल्यूशन बताया था। फिर तीसरे लेक्चर से हमने इजीली अवेलेबल करवाना चालू कर दिया है कि आप वहाँ पर क्वेश्चन रुक के नोट कर सकते हो। तो तीसरे और चौथे लेक्चर में आपको क्लियर दिखेंगे क्वेश्चंस, ठीक। अब आप क्या करना कि अभी आपको और क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर में, इस लेक्चर से क्वेश्चंस और क्लियर आपको दिखना चालू हो जाएंगे। तो चलो, अब अपन ने 4 लेक्चर कर लिए हैं, 5वां लेक्चर अपन शुरू करते हैं। तो पहला लेक्चर लेते हैं अपन बच्चे, चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये सामने है आपके बच्चे, लास्ट क्लास में अपन ने फ्रैक्शन पार्ट वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन देख लेते बच्चे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 डेज, एंड सी कैन डू 2/3 दैट वर्क इन 8 डेज, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ा तो क्या कह रहा है बच्चे, वो एक इसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, और सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो ज्ञात करें तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं अपन, क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते बच्चे अपन। तो ये फ्रैक्शन पार्ट वाले क्वेश्चन है, कैसे चालू करना है उनको यहाँ पर काम करते हैं। जैसे उसने यहाँ पर बच्चे किसका दिया है, ए का दिया है, बी का दिया है, और किसका दिया है बच्चे, सी का दिया है। ए का दिया है, बी का दिया है, और किसका दिया है, सी का। क्वेश्चन नंबर 2, ए का दिया है, बी का, और किसका दिया है, सी का दिया है आपको यहाँ पर। तो देखो कैसे काम करना है, रोकने में देखो ध्यान देखते बच्चे, उसने क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है उसके हिसाब से काम करते हैं अपन। तो क्वेश्चन में उसने बोला बच्चे अपन से कि ए कैन डू 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो मतलब ए आपका कितना काम कर रहा है बच्चे, 1/2 वर्क कर रहा है, और कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिन। कितने दिनों में कर रहा है बच्चे, 5 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है बेटा, 5 दिनों में कर रहा है। बी का उसने कितना बोला बच्चे आपसे, 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। बी का कितना बोला है, 3/5 ऑफ द वर्क इन कितने दिनों में बोला बच्चे, 9 डेज में बोला है। 3/5 ऑफ द वर्क कितने दिनों में कह रहा है बच्चे, वो आपसे 9 डेज में कह रहा है। और सी का कह रहा है 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। सी का कितना कह रहा है, 2/3 ऑफ द वर्क इन कितने डेज कह रहा है बच्चे, 8 डेज। 2/3 ऑफ द वर्क कितने डेज में कह रहा है बच्चे, 8 डेज में कह रहा है। आपको बताना है तीनों मिलकर काम कितने समय में कर पाएंगे। तो तीनों मिलकर बताना है, तो यहाँ देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कराया जाता है, समझो यहाँ पर कि जैसे आप एक तो पहले समझ लो इसका बेसिक, या पहले डायरेक्ट समझ लो फिर उसके अंदर बेसिक बताते हैं बच्चे आपको क्या करना है आगे से ऐसे सवाल आए। तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है या भाग लिखा हुआ है, ये जो पार्ट लिखा है या फिर क्या लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है, आपको क्या करना है बच्चे आगे से कि जैसे अगर हमें ए का निकालना है, इसका निकालना है बच्चे अगर हम ए का, तो आपको इस भाग को उल्टा करके दिनों में गुणा करा देना। इस भाग को क्या करना है बच्चे, उल्टा करके इसमें गुणा करा देना, दिनों में गुणा करा देना। जैसे अगर हम ए का निकालेंगे तो ए का ये लिखा है बच्चे कितना, 5 दिन लिखा है, नहीं लिखा है। तो 5 दिन में हम किसका गुणा करा देंगे बच्चे, 1/2 का उल्टा करके गुणा करा देंगे। कितना हो जाएगा, 2/1 आ कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से कितना आएगा, 5 दुनी कितना आएगा, 10 दिन। तो 5 दुनी कितना आएगा बच्चे, ये 10 दिन आएगा। 5 दुनी कितना आएगा, 10 दिन। तो ये क्या निकल के आएगा, ए का कि ए कुल कार्य कितने समय में करता है। ये आपको यहाँ से क्या बताएगा कि ए आपका कुल कार्य कितने समय में करता है। मतलब यहाँ से ये पता पड़ गया हमें कि ए आपका कुल कार्य कितने समय में करता है, 10 दिन में करता है। इसी तरह जब बी का निकालेंगे बच्चे, तो बी में क्या करेंगे, बी के जो दिन दिए हुए हैं आपको, बी के दिन कितने दिए हुए बच्चे, 9 दिन। तो बी के दिन कितने दिए हुए आपको, 9 दिन दिए हुए हैं। तो जब 9 दिन दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें जो भाग दिया है इसको पलट के गुणा करना है। जैसे जो 3/5, इसको कैसे गुणा करा दो, 5/3 करके, इसको उल्टा करके गुणा करा दो, 5/3 करके क्या करा दो बच्चे, आप गुणा करा दो। तो जब काटोगे 3 से, तो ये 3 से कितना कटेगा बेटा, ये 3/5 कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। 3/5 कितना आ जाएगा बेटा, 15 दिन आ जाएगा। तो ये क्या बताएगा बच्चे आपको कि बी आपका पूरा काम, बी आपका क्या बच्चे, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 15 दिनों में कंप्लीट करता है। बात समझ में आ रही है, बी आपका पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 15 दिनों में। इसी तरह सी का निकालेंगे तो 2/3 का क्या उल्टा कराएंगे, 3/2 करके कराएंगे। तो सी का कराएंगे तो सी का कितना दिया बच्चे यहाँ पे, 8 दिन दिया। सी का कितना दिया बच्चे हमें, 8 दिन दिया है, और इंटू किससे कराएंगे बच्चे अपन, ये 2/3 है तो उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा बच्चे, 3/2। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। ये कितना आ जाएगा बच्चे, 8 दिन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, सी का क्या आ जाएगा बेटा, निकल के कुल कार्य कितने दिनों में करता है।
ठीक है, काम तो समान ही रहेगा, चाहे ए करे चाहे बी करे चाहे सी करे, कि टोटल काम जो है वो तो सेम ही रहेगा बच्चे। अब उस काम का कितना कितना हिस्सा करते थे ये लोग, इतना इतना हिस्सा करते थे, तो इसके सारे हमने तरीका जो होता है उससे हमने क्या निकाल लिया कि ये कितने कितने दिनों में पूरा कार्य करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी बच्चे, यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी कि ए आपका कितने समय में पूरा कार्य करता है, 10 दिनों में, ठीक है। बी आपका कितने समय में पूरा कार्य करता है, 15 दिनों में। बी आपका कितने समय में पूरा कार्य करता है, 15 दिनों में। और सी आपका कितने समय में पूरा कार्य करता है, 8 दिनों में। कितने समय में पूरा कार्य करता है बच्चे, 8 दिनों में। तो आपको बताना है कि ए बी और सी मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे। क्या बताना बेटा आपको कि ए बी और सी मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे साइड में पहले क्या मानेंगे बच्चे, कुल कार्य मानेंगे। कार्य मान लो 10, 15 और 8 के हिसाब से कार्य होता है बच्चे, कितना आ जाएगा मेरे पास में। अगर मैं यहाँ से देखो बच्चे 60 मानता हूँ, तो 60 क्या 8 से भाग होगा, नहीं होगा बच्चे। तो हम कितना मान लेते बच्चे, यहाँ पे 120 मान लेते हैं। कितना काम ले लो यहाँ पे, 120 कितना काम ले लो बच्चे आप, 120 कार्य, ठीक है। 120 कार्य लोगे, इनका एक एक दिन का कार्य निकालोगे कैसे आएगा, 10 से भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, 12। यहाँ 15 से भाग करोगे तो 15 कितना, 120। और 8 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 8 से 15 कितनी बार जाएगा, 120 है। जोड़ने पे आएगा 15 और 12 सत्ताईस और 8 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा तो एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा बेटा इनका 35 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, इनका एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 35। 35 से भाग लगा देंगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर। 35 से भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा अपने पास में। तो कितना आंसर आएगा, 5 से काटेंगे तो बच्चे कितना कटेगा ये हमारे पास में, 5 से काट लो, 5 से ही कट जाएगा 24, और 5 से कितना कट जाएगा बच्चे, 7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24/7 कितना आ जाएगा, 24/7। तो तीनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे, 24/7 दिनों में करेंगे। या फिर इसी को अपन क्या लिख सकते, 24/7 को बेटा 3/7 = 21, 3/7 दिन, 3 सही 3/7 दिन भी लिखा जा सकता है। अरे बस समझ, 3 सही 3/7 दिन भी लिखा जा सकता है। समझ पा रहे बच्चे, ये चीज क्लियर हो पा रहा है कैसे करना है, ठीक है। तो अपन को ये फ्रैक्शन पार्ट वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, जो भी काम का भाग दिया होगा उसको उल्टा करके इसमें गुणा करा देना बच्चे, अपन को दिनों में गुणा करा देना। समझ में आ रही बात, ठीक है, उम्मीद कर पा रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो रोक के थोड़ा भी सॉल्यूशन नोट कर लेना, ठीक। अब हम इसका आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं बच्चे, इसका क्या बता दें कॉन्सेप्ट, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये आप इसमें पलट के क्यों गुणा करा रहे हो, कैसे करा रहे हो। तो उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या करना है। देखो यहाँ पर हमने एक्चुअल में क्या करा बच्चे, जैसे हम एक का लेके आपको एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, बाकी आप समझ जाओगे। जैसे अगर अपन एक की बात करते हैं, हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम यहाँ पे बताए बच्चे, जैसे हम यहाँ बताए, तो हमने क्या करा, दरअसल करते क्या है बच्चे, यहाँ पर अपन एक काम की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, एक काम की। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर एक मान सकता था गुणे में, क्या मैं यहाँ पर एक मान सकता था गुणे में, बिल्कुल मान सकते थे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से अपन एक काम लिखा है, नहीं लिखा है हमारे पास में काम का कितना हिस्सा करते हैं। तो यहाँ से हम कितने काम की वैल्यू निकाला करेंगे, एक काम की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तब आपको ये समझ में आएगा क्यों हम इतना डिटेल बता रहे हैं आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर अपन एक काम की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं एक गुणे में ले सकता हूँ, तो देखो बेटा कैची गुणा होके ये 5 चला जाएगा ऊपर और ये 3 का आ जाएगा नीचे। तो एक काम की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे मेरे पास में, एक काम की वैल्यू आ जाएगी 9 दिन, 9 दिन इंटू कितना आ जाएगा बेटा, ये 5 चला जाएगा ऊपर और 3 का आ जाएगा नीचे। तो 5 चला जाएगा ऊपर और कितना आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा, 3। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास में एक काम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, एक काम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 9 डेज इंटू 5 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ गया। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर हमने ये क्या कर रखा है, बी के लिए 9 डेज इंटू कितना कर रखा है, 5/3 कर रखा है, कर रखा नहीं कर रखा है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। तो एक की निकालेंगे, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, देखो ये 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, इसी तरह इसके केस में कराया हमने। तो हम क्या करते हैं, तीनों का काम समान बना लेते हैं, तीनों का काम क्या बना लेते हैं, समान बना लेते हैं, कि ये भी एक काम करेगा, ये भी एक काम करेगा और ये भी एक काम करेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या बना लेंगे बच्चे हम, एक काम क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, टोटल वर्क रिप्रेजेंट करता है, एक काम क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, टोटल वर्क रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है, इसलिए हम एक काम की वैल्यू निकालते हैं। हमने तीनों का काम कैसे बना लिया बच्चे, बराबर बना लिया,
समझ में आ रही नहीं। बराबर का मतलब है कि हमने टोटल काम तीनों का सेम बना लिया, कुल कार्य तीनों का कैसा बना दिया हमने सेम, कि एक हमने क्या बताया बेटा, एक क्या रिप्रेजेंट करता है या एक क्या बताता है, कुल कार्य बताता है। एक क्या बताएगा यहाँ पर, कुल कार्य बताएगा। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे तो इसका कुल कार्य आ जाएगा, यहाँ से एक का इसका कुल कार्य, यहाँ से निकालोगे इसका कुल कार्य, कि ये कुल कार्य कितने दिनों में करेगा, ये कुल कार्य कितने दिनों में करेगा, ये कुल कार्य कितने दिनों में करेगा। फिर आगे मैं प्रोसेस करके क्या करेंगे, आंसर निकालोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्लियर है बात, समझ पा रहे कैसे काम करना है अपन को, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक। हमने क्या करा पहले यहाँ पर, हमें जो भाग दिए थे, अब हम ये हर बार आपको करके नहीं बताएंगे, हर बार अपन डायरेक्ट ही कर लिया करेंगे सवालों में। बात समझ में आ रहा है, वहां से अगर क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया करेंगे, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। क्लियर है बच्चे, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ठीक है। ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन यहाँ पर। चलो आज के लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे अपन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में तथा बी उसी काम के 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए कितना भाग कर रहा है बच्चे, 2/3 भाग कर रहा है, और बी कितना भाग कर रहा है आपका, 3/5 भाग कर रहा है, ठीक है। और ये पूछा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ए का क्या कह रहा है, अभी ए का कह रहा है बेटा यहाँ पे पार्ट या भाग लिख ले रहे हैं, तो देखो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं सवाल को, ठीक है ना। तो अगर मैं ए का निकालूंगा बच्चे, तो ए का उसने कितने दिन बोला है बच्चे बताओ जरा हमको, ए का बोला उसने 8 दिनों में, ए का क्या बोला बच्चे उसने 8 दिनों में बोला है, और बी का कितना बोला है बच्चे बताओ जरा उसने, बी का आपसे बोला है कितने दिनों में बोला बच्चे उसने, 3/5 भाग 6 दिनों में करता है, तो बी का कितना बोला है 6 दिनों में। तो जो हमें भाग दिया है उसको कैसे गुणा करा देना बेटा, उल्टा करके गुणा करा देना है, उसको भाग का क्या करना है, उल्टा करके गुणा कराना है। तो दो मिनट, भाग का कैसा कराना है, उल्टा करके गुणा कराना है अपन को। उल्टा करके गुणा कैसे कराएंगे बच्चे अपन, जो 2/3 दिया है इसमें किसका गुणा करा देंगे, 2/3 का उल्टा कितना होगा, 3/2। हमारी बात समझ, और इसका उल्टा कितना होगा अपन को, 3/5 दिया है, तो 3/5 का उल्टा कितना होगा, 5/3, ठीक है। हमारी बात समझ, कैसे करना है अपन को, समझ पा रहे हैं समझ पा रहे बच्चे कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो आपको क्या करना है, जो भी भाग दिया होगा उसको उल्टा करके गुणा करा देना, कैसे गुणा करा देना उसको, उल्टा करके गुणा करा देना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से ये 2 से काटोगे तो 2 से कितना कटेगा, ये 4, और ये 3 से काटोगे 3 से कितना कटेगा, 2, तो 4 दिया कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो ये 12 दिन क्या बताएगा बच्चे आपका, कि ए आपका पूरा कार्य कितने समय में करता है, 12 दिन में करता है, और ये कितना आ जाएगा, 5 दिन कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, 5 दिन कितना आ जाएगा बच्चे, ये 10 दिन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपको, कि बी आपका पूरा कार्य अकेला कितने दिनों में करता है, 10 दिन। अपन बता रहे दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो अपन बता सकते हैं बच्चे, कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर अब आपको पता पड़ गया कि एक कार्य कितने दिनों में करता है बच्चे, 12 दिनों में। एक कार्य कितने दिनों में करता है बच्चे, 12 दिनों में, और बी कार्य कितने दिनों में करता है बच्चे, 10 दिनों में। बी कार्य कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। तो 12 और 10 के हिसाब से क्या मान लो अपन, कार्य मान लो, तो 12 और 10 के हिसाब से कितना कार्य ले लेंगे अपन, 60। 60 क्या रहेगा टोटल कार्य, एक एक करके काम निकालेंगे, 12 से भाग दो 60 में कितना आ जाएगा, 5। 10 से भाग दो 60 में कितना आ जाएगा बच्चे, ये 6। हमें बताना है कि ए और बी मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे, तो ए और बी का मिलकर क्या निकालेंगे बच्चे, एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 5 और 6 कितना कार्य करेंगे बच्चे, 11 कार्य करेंगे। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 और 6 कितना कार्य करेंगे, 11, और इनसे कितना कार्य करवाना है, 60। तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, भाग लगा दोगे, 60 में क्या लगा देना है, भाग लगा देना। किसका भाग लगा देना बेटा, 11 का भाग, इसका भाग लगा देंगे अपन 11, कितना आएगा, 11 × 5 = 55, 5/11, 5 सही 5/11। हमारी बात समझ, इसका अगर दोनों साथ मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे, 5 सही 5/11 दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हैं समझ पा रहे क्या करना है, जो भाग दिया होगा उसको दिनों की संख्या से पलट के गुणा करना है। जितना भाग देगा आपको कि इतना भाग करता है कार्य का, उस भाग को उल्टा करके किससे गुणा करा देना है, दिनों की संख्या से। तो वहां से क्या मिल जाएगा हमें, कि वह व्यक्ति कुल कार्य कितने समय में करता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कैसे काम करना है आपको, समझ पा रहे हैं समझ पा रहे आप, ठीक है भाई। चलो इसको नोट कर लेना बच्चे आप लोग, अगले क्वेश्चन पे आते रहो। अगला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। चलो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते बच्चे अपन, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी किसी काम का 1/4 भाग 40 दिनों में, क्यू उसी काम का 40% भाग 14 दिनों में, आर उसी काम का 1/3 भाग 13 दिनों में, और एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त करता है, तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। देखो आसान है हमारे लिए बताना बच्चे, तो यहाँ देखो यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे बच्चे, पहले पी का देखो, पी का कितना बोला है बच्चे उसने आपसे, पी का बोला है कितने, 10 दिनों में, और कितना भाग 1/4,
तो 10 दिनों में बोला है 1/4 बोला है, तो 1/4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। Q से क्या बोला है कि Q उस काम का कितना भाग बच्चे, 40% भाग। तो अगर Q 40% करता है बच्चे, तो 40% का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अपन, 40% हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इतना ध्यान रखना, जब बच्चों को नहीं पता, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहता तो प्रतिशत हटाता है तो जब बटे में क्या जाता है, 100। जब जब परसेंट हटाओगे बटे में कितना ले जाओगे, 100। और जब परसेंट भी पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ काट लो 20 से, काट लो 20 से कितना कटेगा, 2, और 100 कितनी बार कटेगा, 5। तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये हमारे पास में 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, ये 2/5, मतलब 40% का मान कितना होता है बच्चे, 2/5, ठीक है। तो इसका मतलब Q कितना करेगा, 40%। तो 40% कितने दिनों में करेगा बच्चे, Q का दिन कितने दिया, जरा देखो आप उसमें, 14 दिन। तो Q का दिया है 14 दिन, ठीक है। और 40% का मतलब कितना है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास में 2/5 है। कितना है बच्चे, 2/5। इसी तरह R का देखेंगे तो R का कितना दिया बच्चे, बताओ जरा हमारे पास में। R का कह रहा है 1/3 भाग 13 दिनों में। तो 13 दिनों में दिया है 1/3 भाग। तो 1/3 का उल्टा कितना हो जाएगा बच्चे, 3/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। और ये यहाँ पर 2/5 का उल्टा लीजिए बच्चे, ये तो 40% की वैल्यू 2/5 है, इसका उल्टा करके गुणा करते हैं। 2/5 का गुणा कितना हो जाएगा बच्चे, 5/2 हो जाएगा। इसी तरह 1/3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 3/1। इसी तरह एस का निकालेंगे तो एस कितने दिनों में कर रहा है बच्चे, जरा देखो आप, 7 दिनों में कर रहा है। तो एस कर रहा है 7 दिनों में, और कितना हिस्सा समाप्त कर रहा है बच्चे 7 दिनों में, एस आपका 1/6। 1/6 का उल्टा कितना हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 6/1 आ जाएगा। आ रही बात समझ, कितना आ जाएगा, 6/1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो बच्चे, तो यहाँ से कितना आएगा, 10/4 कितना आ जाएगा, 40 दिन। मतलब पी आपका कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा, 40 दिनों में करेगा बच्चे। इसी तरह इसका निकालेंगे, 2 से काटेंगे कितना कटेगा, 7। तो ये 7 पंचे कितना आ जाएगा बच्चे, हमारे पास में 35 दिन। 7 पंचे कितना आ जाएगा बच्चे, 35 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 दिन। इसी तरह करेंगे, 13 दिन कितना आ जाएगा बच्चे, 39 दिन। ये कितना आ जाएगा, 39 दिन आ जाएगा हमारे पास में। और इसी तरह करेंगे बच्चे, तो 7/6 कितना आ जाएगा, 42 दिन। 7/6 कितना आ जाएगा, 42 दिन। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि सभी पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे। हमें बताना है इन दिनों में से कौन सबसे जल्दी कार्य पूरा करेगा। तो देख लो बच्चे कौन कर रहा है, ये 40 है, ये 35 है, ये 39 है, ये 42। आंसर कितना हो जाएगा, 35। इसका मतलब कौन करेगा बेटा, हमारा क्यू इन सब में सबसे पहले कार्य खत्म करेगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सबसे पहले कार्य खत्म करेगा बच्चे, क्यों हमारा सबसे पहले कार्य खत्म करेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, कैसे काम करना है, क्लियर है ये कि जो भाग दिया होगा आपको, उस भाग को आपको क्या करना है, क्रॉस करके उल्टा करके क्या करा देना, मल्टीप्लाई करा। क्यों कराना है, इसका रीजन हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूं आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे फ्रैक्शन पार्ट वाले पे काम किया जाता है। चलो अब इसका थोड़ा हम लेवल बढ़ा के अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं, उसमें देखते हैं क्या करना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का क्वेश्चन करते हैं, क्लास का चौथा क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो, चलो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो, कि एक है जनार्दन, वो 2/3 कार्य कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। तो बच्चे वो 2/3 कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। 2/3 कार्य कितने दिनों में कर रहा है बच्चे, वो 10 दिनों में कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा बच्चे, वो 2/3 कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। आपको बताना है कि 3/5 भाग कितने समय में करेगा, उसी काम का 3/5 भाग कितने समय में करेगा। तो देखो बच्चे, यहाँ से हमने क्या बताया था आपको, कितने की वैल्यू निकाल लिया करो, एक ही। तो यहाँ पर अगर मैं एक का इंटू करा दूँ, अगर मैं एक का इंटू करा दूँ बच्चे, तो यहाँ पर ये 3 इधर चला जाएगा, 2 का आ जाएगा नीचे। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 10 दिन। 10 दिन इंटू कितना आ गया बच्चे आपके पास में, 3/2 आ गया। इंटू कितना आ गया बच्चे, 3/2 आ गया। आ गया नहीं आ गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 5। 5 किया 15, मतलब वो एक कार्य कितने समय में करेगा बच्चे, 15 दिन में करेगा। एक कार्य कितने समय में करेगा बच्चे, वो 15 दिन में करेगा। एक कार्य कितने समय में करेगा बच्चे, वो 15 दिन में करेगा। अब कार्य का कितना हिस्सा कराना है, 3/5 हिस्सा। कितना हिस्सा कराना बेटा, 3/5। तो दोनों तरफ 3/5 का गुणा कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो बच्चे, 3/5 का क्या कर दो, गुणा कर दो, 3/5 का गुणा कर दो दोनों तरफ। तो 3/5 का आ जाएगा, तो 3/5 का क्या करा देना, गुणा। तो यहाँ भी कितना कार आ जाएगा, कार का कितना हिस्सा करेगा, वो 3/5 हिस्सा करेगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 से काटोगे तो कितना कटेगा, 5 किया 15, 3 और 3 कितना आ जाएगा, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 9 दिन। अरे बस समझ, आंसर कितना आ जाएगा, 9 दिन। 3/5 हिस्सा वो कितने दिनों में पूरा करेगा, 9 दिनों में पूरा करेगा। बात समझ में आ रही है, कितने दिनों में पूरा करेगा बच्चे, वो आपका 9 दिनों में पूरा करेगा। तो उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा होगा, 9 दिन में पूरा। सारी बात समझते हैं, ये डिटेल आपको समझ में आ रहा है बच्चे, हमने क्यों बताया था, कैसे बताया था। डायरेक्ट करने वाली बात है, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लेते हो बच्चे, 10 डेज में
या 10 दिनों में कितना हिस्सा कर रहा था, 2/3, तो उसका क्या करके गुणा करा लेते, 3/2, तो कितना गुणा आ जाता, 3/2, तो ये क्या आ जाता, पूरा कार्य कितने समय में करेगा, और कितना हिस्सा कराना था, 3/5, तो यहां 2 से कर देते 5, तो 5 किया कितना आ जाता, 15 दिन, तो ये तो आ जाता कि पूरा कार्य 15 दिन में होता, फिर 3/5 का यहां कर देते गुणा, तो 5 से 3, 3 तक कितना आ जाता, तो ये कैसे कर लेते बेटा, डायरेक्ट ही कर लेते सिंगल स्टेप पर। हरी बात समझ, जिस तरह आप क्या कर लेते बच्चे सवाल को सिंगल स्टेप में, अगर ये आ गया 15 दिन क्या बताता बच्चे, ये जो हमने उल्टा करके गुणा कराया 2/3 का, डायरेक्ट क्या करते उल्टा करके गुणा कराते, तो ये क्या बताते बेटा कि पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, अब 3/5 कराना है तो 3/5 को गुणा कर दो, बात समझ में आ रही, तो आ जाएगा पूरा कार्य कितने दिनों में करता है 15 दिन में, तो 3/5 कार्य कितने दिनों में करेगा, 9 दिन में करेगा, बात समझ में आ रही है, बेसिक क्लियर कर दिया अपने आपको, डायरेक्ट बता दिया, क्लियर है ये बात, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे बच्चे, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है इसका, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे, क्या आज की क्लास का बच्चे अपन, तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा वो आपसे, कह रहा है ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग कितने समय में करेंगे, ठीक है, तो उसने देखो क्या करा है बच्चे अपन से, बोला है कि ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ अ लैंड, तो ए का क्या बोला है बच्चे, अगर आप ए का निकाले तो पहले ये बताओ ए का दिन कितना बोला है बच्चे अपन से, ए का दिन बोला है 6, तो अगर 6 दिन बोला है तो भाग का क्या करेंगे, उल्टा करके गुणा करा लेंगे, तो उल्टा करके कितना बेटा 2/5 है, तो 2/5 का उल्टा कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है, और बी का कितना बोला है बच्चे, बी के कितने दिन बोले जरा देखो बेटा, बी का क्या बोला उसने कि कितना 10 दिनों में करता है, तो 10 दिनों में कितना भाग करता है बच्चे, लेकिन तो 10 दिनों में कितना भाग बोला उसने आपसे 1/3, 1/3 का उल्टा कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 दिया 15, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 5 किया 15 दिन आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा 10 दिया कितना आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा, 10 दिया कितना आ जाएगा बच्चे 30 दिन आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 10 दिया कितना आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा बच्चे हमारे पास में, तो यहां देखो अगर अपन देखें कि ये हमें क्या बता रहा है कि ए आपका पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा 10 दिन में, और बी आपका पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा 30 दिन में करेगा, ठीक है, तो अब हमें यहां से देखो इसके बाद उसने ये बोला बच्चे आपसे कि जैसे अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम यहां पर क्या करते, यहां पर एक काम करवा लेते बच्चे अपन के ए कितना करता है 15 दिनों में, ए काम कितने दिनों में करता है बच्चे 15 दिनों में करता है, ए काम आपका कितने दिनों में करता है बच्चे 15 दिनों में, और बी आपका पूरा काम कितने दिनों में करता है बच्चे, यहां पर बी आपका पूरा काम कितने दिनों में करता है 30 दिनों में, बी आपका पूरा काम कितने दिनों में करता है 30 दिनों में, ठीक है, तो यहां पर पहले कुल कार्य मान लेते, 15 और 30 के हिसाब से कुल कार्य कितना आ जाता 30, 15 और 30 के हिसाब से कुल कार्य कितना आ जाता 30 आ जाता, 15 से 30 में भाग लगाते कितना जाता है 2, और 30 से 30 में भाग लगाते कितना जाता है 1, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं बच्चे, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 2 और 1 जोड़ दो, तो 2 और 1 जोड़ के कितना आ जाता बेटा 3 आ जाता, 2 और 1 करके कितना आ जाता 3, तो हम जनरली क्या करते बेटा, अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा होता तो 3 का उठा के भाग लगा देते आंसर आ जाता, लेकिन यहां पर ये नहीं करना, उसने ये बोला है कि कुल काम नहीं करवाना है, उसने ये बोला है कि दोनों मिलकर उस कार्य का 4/5 भाग कितने समय में करेंगे, क्या बोला उसने कि दोनों मिलकर उस पूरे कार्य का 4/5 भाग कितने दिनों में करेंगे, इसका अपन को 4/5 भाग निकाल लेना है, पहले तो क्या निकाल लेना बेटा 4/5 भाग निकाल लेना, तो कितना आएगा 5 से काटोगे 5 से 6 30, 6 और 4 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो अब इन दोनों से 30 कार्य नहीं करवाना, कितना कार्य करवाना है 24 कार्य, अब 30 कार्य ना करवा के कितना कार्य करवाना है 24, तो ये दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं 3, तो 24 कार्य कितने समय करेंगे भाग कर दो, तो 3 से भाग करोगे 3 से कितना आ जाएगा 8, तो ए और बी साथ मिलकर उस कार्य का 4/5 भाग कितने दिनों में करेंगे बच्चे, हमारा 8 दिनों में पूरा करेंगे, बात समझ में आ रही है यार क्या बता रहे बच्चे आपको, क्लियर है ये, समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, ठीक है, उम्मीद कर पा रहे बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कैसे अपन ने करा फ्रैक्शन पार्ट वाले क्वेश्चन है अपना, लेकिन उसमें थोड़ा एक स्टेप आगे, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप लिखे दो चार के कैसे बनाए जाते हैं यहाँ पर सवाल, ठीक है, इतनी बात, एक और बात बच्चे यहाँ पर कि कुछ बच्चे ये क्या सोच रहे होंगे कि सर ये आसान है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा जैसे सी वाले स्टूडेंट होंगे या कुछ, तो बेटा देखो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, पहली बात तो ये वीडियो जो बन रहा है वो एसएससी की बेसिक क्लास है, बैंकिंग की बेसिक क्लास है, व्यापम का टोटल कंप्लीट सिलेबस है, व्यापम में एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, वन रक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया, उनके ये टोटल क्लास है, टोटल सिलेबस है उनका, बोलते बात समझ में आ रही है आपका, रेलवेज हो गया उनका पूरा, इसके बाहर क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं बनती है, ये पूरा पार्ट कवर करेगा जो आपकी क्लासेस चलेगी यहाँ पर,
ठीक है। और अभी क्या होगा बच्चे, जैसे अभी हमें एक और चीज बताना बाकी है, इसमें अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन बताने हैं आपको, फिर आदमी काम से पहले छोड़कर चला जाता है, काम खत्म होने से वो वाले क्वेश्चन कराने हैं, तो वो क्वेश्चन में भी दो क्लास और समय जाएगा अपना। उसके बाद में हम एक ओवरऑल क्लास का वीडियो बनाएंगे, जो अपन 6 लेक्चर पढ़ चुके होंगे, 6 से 7 लेक्चर, फिर जो ओवरऑल उन 6-7 क्लासों से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ अपर लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एसएससी के सारे लेवल कवर करे जाएंगे, प्री लेवल भी कवर करा जाएगा, मेंस लेवल भी कवर करा जाएगा, ठीक है। तो 6-7 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल फिर आपको कहाँ कराए जाएंगे, यहाँ कराए जाएंगे, ठीक है, वो एक अलग क्लास बनाई जाएगी। तो यहाँ से आप लोग अपना बेसिक अच्छा कर लें, फिर वो जो क्लास रहेगी वहाँ से आप ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ऐसे फिर अपन टाइम एंड का आगे टॉपिक बढ़ाएंगे, जब एफिशिएंसी रेशियो वाले, कार्य क्षमता के अनुपात वाले सवाल करेंगे, वहाँ पर पहले हम पूरे बेसिक करा देंगे, फिर उनके मिक्स क्लास एक अलग से बना दिया करेंगे आप लोगों के लिए। तो इससे क्या होगा बच्चे, आपका अननेसेसरी व्यापम वाले बच्चों को अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, कि बेकार में वो भी पढ़े जा रहे हैं, उनके सिलेबस में आते ही नहीं है, वो अपने सिलेबस का पढ़ लेंगे। फिर उस बच्चे की अपनी चॉइस है जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहा है, ठीक है ना, जो चाहता है कि मैं अपना और लेवल बढ़ा लूँ, तो उसके लिए भी क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन बहुत आएंगे सामने आपके, ठीक है ना। और अपना ऐसा है कि बच्चे, जैसे पहले दो वीडियो में अगर क्वेश्चंस की दिक्कत आई है देखने की, तो एक बात समझे, पहले तो ये वीडियो बनाने का हमारा कॉन्सेप्ट इतना है कि सबसे पहले सीएससी वाले स्टूडेंट जो हमसे पढ़ चुके हैं, वो ये अपना रेगुलर पढ़ाई टच में रख सके, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है, कि वो अपना क्वेश्चन तुरंत जजमेंट भी बढ़ा लेंगे कि सर क्वेश्चन कैसे है, क्या है, क्या नहीं है, वो समझ पाएंगे, उनको बात समझाएंगे। बाकी जो ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो सीएमसी के स्टूडेंट नहीं है, जो कहीं से भी वीडियो एक्सेस कर रहे हैं, तो बच्चे शुरू के 2 लेक्चर में देखने का प्रॉब्लम हुआ है कि क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, आपके अंदर इतना है कि नहीं हमको पढ़ाई करनी है, हमको मैथ्स पढ़ने में मिल रहा है और हमें पूरा पढ़ाया जा रहा है, जैसे क्लासेस में पढ़ाया जाता है उससे अधिक पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ी सी परेशानी आप भी उठा सकते हो बच्चे भी, कि आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट कर लो। अगर आप पिछले पहले और दूसरे लेक्चर की टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें, वहां भी अगर हर क्वेश्चन में आप वीडियो रोक लोगे और थोड़ा ध्यान लगा के क्वेश्चन नोट करोगे, तो भी क्वेश्चन नोट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है। अब ऐसे लॉकडाउन के टाइम में अब अगर अपन ऐसा डिमांड करेंगे कि हमको सारी सुविधाएं मिल जाए, देखो बच्चे जैसे ही हमारा इंदौर पहुंचना होगा, तो फिर तो अपन डिजिटल मोड में क्लास लेंगे आपकी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब तक अपन क्या करें, खाली बैठे क्या, खाली बैठने से कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। तो अभी किसी तरह समहाउ क्वेश्चन नोट कर लिया करो, उसके सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन ज्यादा मेन होता है, ठीक है ना, कि सॉल्यूशन आपको पूरे तरह विजिबल है कि नहीं, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी उठा लो। अब ये वो बच्चे हैं कि जो वीडियो देख रहा है, यार दिखा नहीं दे रहा, चलो वीडियो बंद करो, उठाओ, तो उनका दिमाग पढ़ने में है ही नहीं ना बच्चों, तो ऐसे उन्होंने देख लिया, चलो वही से नोटिफिकेशन हो गया, सब्सक्राइब कर रखा होगा उन्होंने। लेकिन अगर जिसको पढ़ना है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधा दी जा रही है यहाँ पर, क्लासेस में अपन ऐसे ही पढ़ाते हैं, पहले क्वेश्चन हिंदी में बोलते हैं, फिर इंग्लिश में बोलते हैं, फिर सॉल्व कराते हैं, तो ऐसा ही तो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, क्या अलग काम किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत सुविधा का अभाव है तो अभी एडजस्ट कर लो, कुछ दिनों की बात है, जब तक टाइम एंड वर्क पढ़ लो, टाइम एंड डिस्टेंस के आने तक तो इंदौर पहुंच ही जाएंगे बच्चे, फिर वहां से आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना चालू कर देंगे, तो इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, जब तक आपको जिन बच्चों को नहीं मिले, तो आप सीएमसी कैरियर अकेडमी सर्च कर लिया करो, सीएमसी कैरियर अकेडमी सर्च कर लिया करो बच्चे, सीएमसी कैरियर अकेडमी ये नाम सर्च कर लिया करो, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा बच्चे आपको, वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो, अरे बात समझ, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह भी मिलती जाएगी बच्चे। और एक बार और हमने नंबर दिया था आप लोगों को, व्हाट्सएप का नंबर शायद हमने किसी वीडियो में दिया था आपको, तो अगर किसी बच्चे को पीडीएफ नहीं मिल पाती है कि सर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही या लिंक नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो बच्चे आप लोग, ये 7709596455। तो अगर किसी बच्चे को पीडीएफ नहीं मिल रही है या लिंक नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है कि टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हो, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर दिया करो कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल रही, तो हम इस पे आपको पीडीएफ भेज दिया करेंगे, ठीक है। इस तरह काम चला लो, कुछ थोड़े समय की बात है, बाकी तो सब हो जाएगा, सॉल्यूशन आई रही है सामने आपकी, क्या दिक्कत है, ठीक। उम्मीद कर रहे समझ पा रहे हो आप हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। ए डज 4/5 पीस ऑफ अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है ना। तो ए आपका क्या कर रहा है बेटा, ए आपका 20 दिनों में कितना काम कर रहा है बच्चे, ए आपका, उसने बोला ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, तो 20 दिनों में कितना भाग कर रहा है, 4/5, तो उल्टा करके गुणा करा तो 4/5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 5/4, तो 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 20, 5/5 कितना आ जाएगा, 25 दिन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा कि ए आपका पूरा कार्य कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में, ए आपका पूरा कार्य कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में करता है। फिर उसने क्या बोला, बी, फिर बी को काम पर बुलाता है और बे मिलकर शेष कार्य को कितने, 3 दिनों में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलो बच्चे ये बोलता है वो
कि ए ने 4/5 वाक्य कितने दिनों में कर लिया, 20 दिनों में। उसके बाद उसने बी को बुलाया, तो एक बात बताओ, जो ए और बी हैं, वो कितना कार्य खत्म कर रहे हैं? बच्चे बताओ जरा, ए और बी कितना कार्य खत्म कर रहे हैं आपका, कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में। तो ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं बच्चे? 3 दिनों में कर रहे हैं। ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में। और कार्य का कौन सा काम कर रहे हैं बच्चे? शेष कार्य कर रहे हैं। देखो लिखा है उसने, उसने बोला है कि ए ने 4/5 भाग पूरा करा, फिर बी को काम पर बुलाता है, वे मिलकर शेष काम, कौन सा काम बोला बच्चे उसने? शेष काम बोला हुआ है। शेष काम कितने दिन में करता है? 3 दिनों में खत्म करते हैं। तो बच्चे एक बात बताओ, जब ए ने 4/5 भाग कर दिया, तो शेष काम कितना बचा? मतलब 5 में से कितना खत्म हो गया? 4। तो बचा कितना? 1। और कितने में से बचा? 5 में से। तो ये कौन सा कार्य रहेगा? शेष कार्य रहेगा। कौन सा कार्य रहेगा? शेष, जो कि कौन करेगा बच्चे? ए प्लस बी मिलकर करेंगे। कौन करेगा बच्चे? जो कि ए प्लस बी करेंगे। अरे यही बताया था लास्ट लेक्चर में, हमने पिछले लेक्चर में आपको कि ये कैसे पढ़ेंगे कि 5 में से 4 काम खत्म हो गए, तो बच कितना गया? 1। और कितने में से? 5 में से। और ये कौन करेगा? ए और बी करेंगे। तो ये 1/5 भाग जब खत्म करेंगे तो इसका उल्टा करके गुणा करा दो, तो उल्टा करके कितना करा देंगे? 5/1 का गुणा करा देंगे। करा देंगे या करा देंगे? तो 5 से कितना आ जाएगा बेटा? 15 दिन आ जाएगा। 5 से कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में? 15 दिन आ जाएगा। तो हमारे यहाँ से ये पता पड़ेगा कि ए और बी पूरा कार्य कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। ए और बी पूरा कार्य कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। तो यहाँ देखो आपका ए हमारा कितने समय में कार्य करता है? 25 दिनों में। ए हमारा पूरा कार्य कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में। और ए और बी मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में। हमें किससे कार्य बताना है बच्चे आपको? हमें किससे कार्य बताना है यहाँ कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी का हमें क्या पता होना चाहिए? 1 दिन का काम। 25 और 15 से कार्य कितना मान लो? 75 मान लो। 25 और 15 से कार्य कितना मान लो बेटा? 75। तो 25 का भाग लगाओ 75 में, कितना आ जाएगा? 3। तो ए का 1 दिन का काम कितना आ गया? 3। 15 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 5। और ए और बी का 1 दिन का काम कितना आ गया? 5। तो देखो बेटा ए का 1 दिन का काम कितना है? 3। और ए और बी का मिला के 1 दिन का काम कितना है? 5। तो अगर ए का 1 दिन का काम है 3 और दोनों का मिला के कितना है? 5। तो ये 3 उधर जाएगा, तो 5 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? 2। तो बी का 1 दिन का कितना आ गया काम? 2 काम। बात समझ में आ रही? बी का पूरा काम कितना आ गया? 2 काम आ गया। बी 1 दिन में कितना काम करता है? 2। ए और बी का 1 दिन का काम कितना था? 5। ए का कितना था? 3। 3 माइनस होगा तो 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 2। तो हमें ये पता पड़ेगा कि बी आपका 1 दिन में कितना काम करता है? 2। और बी से क्या करवाना है? पूरा कार्य। पूरा कार्य कितना है? 75। तो 2 का क्या लगा? 2 भाग लगा दो 75 में। तो 2 का जब भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 37 से ही 1/2। कितना आ जाएगा बेटा? 37 से ही 1/2 दिन आ जाएगा। तो बी अकेला पूरा कार्य कितने समय में समाप्त करेगा? 37 से ही 1/2 दिन में समाप्त करेगा। बात समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे अपन? क्लियर हो रही है इतनी बात? ठीक है, ये चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, शायद 7 या 8 क्वेश्चन है आज की क्लास का ये। चलो यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ उसने बोला है कि ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है, तथा उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। तो ए तथा बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो यहाँ क्वेश्चन समझो बच्चे, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है ए काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है। तो ए ने 7/10 भाग तो 15 दिनों में कर दिया, तो अगर 7/10 भाग कर दिया तो बच कितना गया बच्चे? तो 10 में से 7 काम खत्म हो गए, तो बच कितना गया? 3/10। तो ये 3/10 कार्य कौन करेगा? उसने कहा उसके पश्चात बी की सहायता से करता है। तो जो 3/10 कार्य है वो कौन करेगा? ए और बी करेंगे। और ए और बी कितने दिनों में करेंगे बेटा ये कार्य? उसने बताया 4 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में। तो आपको बताना है ए तथा बी एक साथ काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो बेटा आसान क्वेश्चन है, अगर ये चाहे तो अपन एक लाइन में भी आंसर ऐसे वर्क कर सकते बच्चे यहाँ पर, कि उसने बोला है कि ए तथा बी कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं बेटा? 4 दिनों में। और 4 दिनों में कौन सा कार्य करेंगे बच्चे? शेष कार्य। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? जब 7/10 खत्म ए ने कर दिया तो बचा हुआ काम कितना है? 10 में से 7 खत्म हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है बच्चे? 3/10। तो 3/10 का कैसा गुणा कराएंगे बेटा? उल्टा करके। तो उल्टा करके करोगे तो कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये 40/3 दिन। और 40/3 दिन का मतलब कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में? ये आ जाएगा 13 से ही 1/3 दिन। इसका मतलब ए और बी मिलकर पूरा कार्य कितने समय में करेंगे? 13 से ही 1/3। हमारी बात समझ कैसे आया बच्चे आपको? ये इस तरह आया बच्चे आंसर, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। उसने ये बोला था आपसे कि ए आपका कितना कार्य करता है बच्चे? आपका ए कर रहा था कितना कार्य बच्चे? 7/10 का। ए आपका कितना कर रहा था? 7/10 का। फिर बचा हुआ कार्य किसने करा था? ए और बी ने।
तो अगर ए और बी ने बचा हुआ करा तो 10 में से अगर 7 कार्य खत्म हो गए तो बच कितना गया 3, और कितने में से 10 में से, और ये 3/10 कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा था 4 दिनों में। तो 3/10 को कैसा करके गुणा कराएंगे, उल्टा करके। आपको मालूम है क्यों उल्टा करके कराएंगे, क्योंकि इस सवाल में हमें आंसर क्या बताना था कि बताओ ए और बी मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे। ए और बी का आंसर तो यहाँ डायरेक्ट ही आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अगर वो सवाल में ऐसा पूछता कि बताओ बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो अपन क्या करते, पहले ए का भी निकालते, फिर ए प्लस बी का निकालते, उसके बाद पूरा आंसर सॉल्व करके निकालते, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। बात समझ में आ रही है कैसे काम करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लियर है बात, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ पा रहे हो। मान लो अगर इसी में ये पूछ लेता, मान लो थोड़ी देर के लिए, चलो ये क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर लो कि बच्चे समझ में आ गया कैसे करना है। मान लो इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि बी अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा, क्या पूछ लेता इसी सवाल में, वो क्या पूछ लेता बेटा कि बताओ बी अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा। तो पहले हम ए का भी निकालते, पहले हम किसका निकालते, ए का। ए का कैसे निकाला जाता कि ए आपका कार्य कितने दिनों में कर रहा था बच्चे, तो ए आपका जो कार्य कर रहा था कितना कार्य कर रहा था बच्चे, 7/10। तो ये देख लेते हम 7/10 कितने दिनों में कर रहा था, 15 दिनों में। तो ए आपका 7/10 कार्य कितने दिनों में कर रहा था, 15 दिनों में। तो अगर 15 दिनों में 7/10 कर रहा है, 7/10 का उल्टा कितना हो जाएगा, 10/7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा हमारे पास में। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में, 150/7। तो कितना आ जाता है ये, 150/ कितना आ जाता है, 7। तो यहाँ से मैं क्या पता पड़ जाता बच्चे कि ए आपका पूरा कार्य कितने दिन में करता है, ए और बी पूरा कार्य कितने दिन में करते हैं, 40/3 दिन में। फिर यहाँ जाके अपन को इसको अलग से सॉल्व करना पड़ता है। तो अलग से सॉल्व कैसे करते बच्चे, अपन के ए का लिखते अपन कितना, 150/7 दिन। तो ए का लिखते अपन कितना बच्चे, 150/ कितना लिखते, 7 दिन लिखते, ठीक है। और बी का कितना लिखते बच्चे, 40/3 दिन। बी का कितना लिखते अपन, 40/3 दिन लिखते, लिखते नहीं लिखते। और इसके बाद में बच्चे अपन को क्या करते, काम मानते। तो चलो ये अपन को अच्छी वैल्यूज मिल गई, फ्रैक्शन थोड़ा समझ भी लोगे आप कि अगर यहाँ पर काम मानेंगे तो हम बता चुके हैं ये आपको कि काम कैसे मानना है बच्चे, आपको काम मानना है ऊपर वाली संख्याओं के हिसाब से। तो 150 और 40 के हिसाब से देखो, 150 से मानो तो 340 से नहीं जाएगा, 450 भी नहीं, 600 चला जाएगा। तो काम कितना मान लेना, 600 मान लेना, काम कितना मान लेना बच्चे, 600 मान लेना। तो 600 क्या आ जाएगा, कुल कार्य। बात करोगे जब आप तो 150 से 4 बार कटेगा, 7 और 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ये किसका है बच्चे, ए प्लस बी का है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में, 28 आ जाएगा। यहाँ से करोगे भाग तो 40 से कटेगा कितना, 15 दिया कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, भाग देने पे कितना बना लेंगे ये अपन, 45 बना लेंगे। तो जब ये 45 आ जाएगा बच्चे, तो हमें अगर बी से निकालना है तो बी का क्या निकालना पड़ेगा, एक दिन का कार्य। तो देखो अगर ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 45, तो ए का कितना है बच्चे इसमें, ए का कितना है, 28 है। तो 28 जब यहाँ जाके माइनस होगा 45 में से, तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। मतलब बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो बी आपका अगर एक दिन में कितना कार्य करता है, 17, तो 17 से क्या लगा दो, भाग लगा दो, 17 से भाग लगा दो, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 600/17। बात समझ में आ रहा है। तो 600/17 को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, इसी को लिखना चाहो तो 17 * 51 = 90 17 * 85 = 5/ कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में, ये कितना 17 * 9 = 85 5/ कितना आ जाएगा, 17 दिन आएगा। 35 सही 5/ कितना आ जाएगा, 17 दिन। तो अगर बी का पूछता तो बी का आंसर कितना आता बच्चे, कि बी अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा, 35 सही 5/17 दिन। बात समझ में आ रहा है कैसे कार्य करना, ठीक है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो आपका सवाल था उसका आंसर तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, कितना था उसका आंसर बच्चे, ये हमने ये आगे क्या करा, आगे हमने ये करा कि मान लो अगर कोई ये पूछ लेता कि बी कितने दिनों में कार्य करेगा, बी का आंसर कैसे निकाला जाता, ऐसे निकाला जाता, क्लियर है बात, ठीक है। उम्मीद कर पा रहे बच्चे आप लोग समझ पा रहे होंगे सवाल, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, अगर आपको डाउट आती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे कि सर इस वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आई थी, तो उसका हम आपको कुछ हो सकता है अगली क्लास में इंप्रूवमेंट बता दें कि बेटा लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन बताया था उसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो को पीछे ले जाके आराम से देख सकते हो बेटा दोबारा भी क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते बच्चे आज की क्लास का, आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन देख लेते बच्चे क्या कह रहा है वो आपको। तो क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, क्या कह रहा है, दो दिनों में ए और ए बी और सी तीन लोग हैं बच्चे, ठीक है ना। दो दिनों में ए बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, मतलब ए बी और सी कितना काम कर रहे हैं बेटा, 1/2 काम पूरा कर रहे हैं। और अगले दो दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला समस्त काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो बच्चे थोड़ा अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन है, पहले उसने ये बताया है आपका कि ए बी और सी मिलकर दो दिनों में कितना काम कर रहे हैं, 1/2। फिर उसने ये बताया कि बी और सी मिलकर क्या बता रहे बच्चे को आपको,
कि बी और सी मिलकर दो दिनों में 3/10 कार्य कर रहे हैं, आपको ए ये बताना है कि ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा बच्चे। सेम प्रोसीजर करेंगे जो अपन पढ़ते आ रहे हैं बच्चे। तो पहले अपन ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम कर रहे हैं बेटा? दो दिनों में। और दो दिनों में बताओ जरा क्वेश्चन में कितना दिया है, कितना काम कर रहे हैं बेटा अपन? 1/2। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2/1 आ जाएगा। अरे बस बच्चे कितना आ जाएगा? 2/1। तो ए बी सी का 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ गया बच्चे कि ए बी सी हमारे कुल कार्य, ये तीनों मिलकर कुल कार्य कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में करेंगे। आगे बात समझ, फिर उसने बोला बी और सी मिलकर 3/10 कार्य। तो उसने क्या बोला बच्चे आपका, बी और सी मिलकर कितना कार्य करते हैं? 3/10। और कितने? अगले 2 दिनों में। तो ये भी 2 दिनों में कर रहे हैं लेकिन कितना कार्य कर रहे हैं बेटा? 3/10। तो 3/10 का उल्टा कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। 3/10 का उल्टा कितना आ जाएगा? 10/3। तो ये कितना आ जाएगा? 20/3 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20/3 दिन। मतलब बी और सी मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे बच्चे? 20/3 दिनों में करेंगे। आपको ये बताना है कि ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? यहाँ देखो, यहाँ पर अपन कर लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी का पता है और बी और सी का पता है। तो यहाँ देखो, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन बनेगी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य कितने दिनों में करते हैं बेटा? पूरा 4 दिनों में। और बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे? बी और सी मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे? 20/3 दिनों में करेंगे। 20/3 कितने दिनों में करेंगे? 3 दिनों में करेंगे। तो पहले यहाँ पर काम मान लो, हमने बताया बेटा ऐसे कंडीशन में काम कैसे मानना है ऊपर वाली संख्याओं के हिसाब से। तो काम माना जाएगा 4 और 20 के हिसाब से। 4 और 20 के हिसाब से काम कितना ले लो? 20 ले लो। तो एक कुल कार्य आ जाएगा, 4 का भाग लगाओगे 20 में कितना आ जाएगा बेटा? ये 5। और जब इसका भाग लगाओगे 20/3 का, तो जब भाग लगाओगे तो कितना? 20 से 20 कटेगा, 3 का चला जाएगा ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चे? तो यहाँ देखो, ए बी सी का कुल कार्य कितना है? 5। और बी और सी का कितना है एक दिन का? 5। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो यहाँ पर जब मैं बी और सी की वैल्यू रखूंगा 3, बी और सी का मान, ये बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो बी और सी का मान जब मैं 3 रखूंगा और ये 3 होगा 5 में से माइनस, तो कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2। तो मतलब आपका ये हुआ कि ए आपका एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। और अगर ए आपका एक दिन में 2 काम करता है तो पूरा काम मतलब कितना? 20। तो 20 काम कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। पूरा काम कितने दिनों में करेगा बच्चे? 10 दिनों में करेगा। अरे बात समझते हैं, 10 दिन किसका निकल गया है बच्चे? ए का निकल गया कि ए आपका पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे क्या बता रहे हैं आपको? क्लियर है इतनी बात? उम्मीद कर रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट वाला बच्चे, इससे पहले भी हमने डिफरेंट लेक्चर दिए थे एकदम फ्रैक्शन पार्ट पे, ये एकदम अलग पार्ट बता रहे हैं उसका। ये कॉन्सेप्ट है बेटा उससे रिलेटेड, समझ में आ रहा है? इनके मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर जब आपका एसएससी प्रीलिम्स में जाओगे या मेंस में देने जाओगे, तो ये सवाल कभी नहीं आएगा आपको। इस पे कैसा आएगा? मिक्स पैटर्न पे आएगा, ठीक है ना? सारी चीजें मिक्स करके पूछ सकता है। तो एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। क्लियर है बात? चलो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चे अपन, ठीक है? आज की क्लास का अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो उसने क्या बोला बच्चे, ज्योति करंट या ज्योति किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में करती है। तो ज्योति जो काम कर रही है बच्चे, ठीक है, ज्योति जो काम कर रही है वो कितना काम कर रही है बच्चे आपका? 3/4 12 दिनों में। तो अगर 12 दिनों में कर रही है और कितना कर रही है काम? 3/4। तो 3/4 का उल्टा कितना हो जाएगा बच्चे? 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3। 3 से काटेंगे 12 कितना कटेगा? 4। 4 और 4 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये क्या है बच्चे बताओ जरा? तो ये आया कि ज्योति पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकती है? 16 दिनों में। ज्योति पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकती है? 16 दिनों में। अब देखो उसने बोला माला की कार्य क्षमता ज्योति के दुगनी है, तो माला उस काम को कितने दिनों में करेगी? देखो बेटा अब यहाँ पर क्या आया कि कार्य क्षमता दुगनी है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चे, अब ये टॉपिक अपन कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, 3-4 क्लास के बाद ये आएगा कार्य क्षमता के अनुपात वाला, कि ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। वो एक सेपरेट टॉपिक है पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही? पहले अपन यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इसके बाद क्लास कौन सी आएगी बच्चे आपकी? अल्टरनेट डेज वाली, कि ए पहले काम करेगा बी अगले दिन काम करेगा, इस तरह के सवाल लेंगे अपन। फिर अपन सवाल लेंगे कि काम शुरू होने से पहले कोई कार्य छोड़कर चला जाता है, तो इस तरह के 2-3 लेक्चर में अभी ये वाले टाइम और लगेंगे, फिर उनका मिक्स पैटर्न पढ़ाया जाएगा एक आपको, उसके बाद अपन कार्य क्षमता वाले सवालों में जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो ये सवाल हम इसलिए कराया करें बेटा, यहाँ पर हम अभी अनुपात में नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अलग है, हमें अलग से समझाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ऐसे ही देख के काम चला लेते बच्चे। यहाँ समझो उसने ये बोला कि ज्योति है, ठीक है, तो ज्योति है और माला है, और उसने ये बोला बच्चे कि माला की कार्य क्षमता ज्योति से दुगनी है,
तो अगर माला की कार्य क्षमता दुगनी है तो माला ज्यादा काम करती होगी कम समय में। बात समझ में आ रहा है या रहा? इसका मतलब अगर इसकी कार्य क्षमता दुगनी है तो इसे दिन कैसे लगते होंगे? आधे लगते होंगे। अरे अगर किसी की कार्य क्षमता ज्यादा है तो उसको समय कैसा लगेगा? कम लगेगा, नहीं लगेगा। अगर एक हष्टपुष्ट मजदूर काम पे बुलाया जाए तो वो जल्दी काम खत्म करेगा, नहीं करेगा? क्यों करेगा बच्चे जल्दी काम खत्म? क्योंकि उसकी कार्य क्षमता कैसी है बेटा? ज्यादा। इसी तरह माला की कार्य क्षमता कैसी है? ज्यादा है। और ज्योति से कैसी है? दुगनी है। इसका मतलब ये है कि ज्योति अगर एक दिन में एक काम करेगी, एक दिन में कितना काम करेगी? एक काम करेगी। तो माला एक दिन में कितना काम करेगी बच्चे? माला एक दिन में कितना काम करेगी? दो काम करेगी। माला एक दिन में कितना काम करेगी? दो काम करेगी। करेगी नहीं करेगी? तो मतलब माला दुगनी स्पीड से काम करेगी, तो काम कैसा करेगी? जल्दी। तो अगर ज्योति को लग रहे थे 16 दिन तो माला को कितने लगेंगे? 8 दिन। माला को कितने दिन लगेंगे बेटा? 8 दिन। माला को कितने लगेंगे? 8 दिन। कोई 32 दिन मत कर देना कि दुगने लगेंगे। अरे दिन दुगने लगेंगे बेटा। कार्य क्षमता ज्यादा है तो दिन कैसे लगेंगे? कम। कार्य क्षमता अगर दुगनी है तो दिन कैसे लगेंगे? आधे लगेंगे। तो इसको लगते थे 16 दिन तो माला को कितने लगेंगे? 8 दिन। समझ में आ रहा? और जब कार्य क्षमता अनुपात बताएंगे तभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे समझ लो, इसको 16 दिन लग रहा है तो इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, दुगनी है, तो दिन कैसे लगेंगे? आंसर कितना आ जाएगा? 8 दिन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फ्रैक्शन पार्ट वाला आपका टॉपिक हो गया बच्चे। अब एक बात समझना आप यहाँ पर हमारी, कि थोड़ा बहुत अगर इश्यू जा रहा है लेक्चर्स में, अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं सारे सीएमसी टीम मेंबर मिलके, ये कोशिश में लगी हुई है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं घर पे उन्हें किसी तरह क्लास का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, तो कभी हिंदी का लेक्चर अपडेट हो रहा है, कभी एमपीजीके का लेक्चर अपडेट हो रहा है आपका। ठीक, आपने इंग्लिश की डिमांड करी है बेटा, इंग्लिश का लेक्चर अभी होना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। अभी एसएससी का इंग्लिश का लेक्चर आज से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। आज डेट कितनी है भाई? आज आपकी डेट है 30 तारीख है बच्चे। ठीक है ना, तो आपकी अगर आज 30 तारीख है बच्चे, ठीक, तो ये जो लेक्चर आप देख रहे हो बच्चे, ये लेक्चर आपको मिलेगा 31 तारीख की मॉर्निंग को। ये लेक्चर कब मिलेगा आपको? जो अभी ये लेक्चर हमने आपको बताया है, ये लेक्चर मिलेगा 31 तारीख को सुबह 10 बजे आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक, हो सकता है 1 तारीख को हमारा लेक्चर नहीं आए तो वो हम आपको शाम को इन्फॉर्म करवा देंगे ग्रुप्स वगैरह पे। ठीक है, ऐसी कंडीशन बन सकती है कि 1 तारीख को लेक्चर ना डाल पाए। ठीक है, 2 तारीख को तो कंफर्म अपडेट कर ही देंगे हम लेक्चर आपका। ठीक है, तो अभी आपका आज से 30 तारीख से आपका किसका लेक्चर अपडेट होना चालू हो गया? 30 या 31 से आपका एसएससी इंग्लिश का लेक्चर अपडेट होना चालू हो जाएगा। वो सर उस हिसाब से प्रैक्टिस करवाएंगे खाली, के बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ पाए, आप टच में रहता है। क्योंकि जब तक हम सीएमसी की पूरी टीम इंदौर में इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक हम आपको बेस्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। ठीक है ना, अभी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कंटेंट के हिसाब से तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जैसा आप विजिबिलिटी या बाकी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं उसमें अभी हम लोग कंट्रोल में नहीं है चीज़ें हमारी। कई फैकल्टीज हमारी ऐसी हैं बेटा इंदौर में, 3 से 4 फैकल्टीज होते हुए हैं, लेकिन वो ऐसे सेंसिटिव जोन में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो हम उनको प्रेशर नहीं करेंगे कि आप निकलो जोर से और कुछ भी अरेंजमेंट करो। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पहले अपन सभी सेफ रह लें बच्चे, पढ़ा तो हम आप लोगों को बाद में भी देंगे, और अभी भी पढ़ा ही रहे हैं हम जितना कोशिश हो पा रहा है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीजें हो जाएगी। एक बार टीम पूरी इकट्ठी हो जाएगी हमारे इंदौर में, उसके बाद आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने लग जाएगा, बढ़िया से मिलने लग जाएगा। और बच्चे मैथ्स के अगर हम पर्टिकुलर हमारी बात करें तो बेटा हम उतनी ही ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं जितनी ईमानदारी से क्लास में पढ़ाते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, कंटेंट भी ज्यादा प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम बाउंड नहीं है हमारे पास। हर बात समझ, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ आप अगर सच में आप पढ़ना चाहते हो बेटा, एक स्टूडेंट अगर डेस्परेट है पढ़ने के लिए तो उसके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ आपको इतना सा कष्ट ही उठाना है कि थोड़ा रोक के क्वेश्चन नोट कर लेना है, फिर आपको समझ हम पूरा डिटेल में रहे। शीट तक प्रोवाइड कर रहे बच्चे, आपको कोई बुक भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम जो शीट दे रहे वो लगाते रहे बस खाली, आप उसमें भी काम हो जाएगा। बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हम सीएमसी से आ गए लेकिन आपकी मैथ्स की बुक नहीं ला पाए, तो बच्चे हमारे मैथ्स की बुक नहीं ला पाए उसकी हमने आपको क्या करें पीडीएफ शीट बना के दे रहे हैं हम आपको यहाँ से, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, तो इससे आप पढ़ सकते हो। इसलिए बेटा कंप्लेन मत करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना जरूरी है। ठीक है, अब धीरे धीरे माहौल बदलता जा रहा है, चीज़ें नॉर्मल होने की और बढ़ रही है। ठीक है ना, और धीरे धीरे और भी नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ हो गया कि गड़बड़ हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे, इस तरह पढ़ाई करते रहो। कुछ भी रहे तो आप व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है सर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो हमसे बेस्ट पॉसिबल होगा वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।